अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह अनस्प्लैश की एपीआई अपनी रिएक्ट ऐप में फैच कर सकते हैं, और एज अ रिजल्ट जो हमें डेटा मिलेगा, जो हमें अनस्प्लैश की इमेजेस मिलेंगी, वो किस तरह अपनी एप्लीकेशन में डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये मेरे पास एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर मेरे पास एक बटन है फैच अनस्प्लैश एपीआई। इस पर क्लिक करने से मुझे यहाँ पे अनस्प्लैश की इमेजेस शो हो जाती हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इन टू दी वीडियो। इस एप्लीकेशन में मैं दो पैकेजेस का यूज़ कर रहा हूँ, एक एक्सियोस जो कि हम अपनी एपीआई फैच करने के लिए यूज़ करेंगे, और एक बूटस्ट्रैप जो कि हम अपनी यूआई में यूज़ करेंगे। बूटस्ट्रैप का यूज़ करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं तो अपनी index.js की फाइल में बूटस्ट्रैप की css इम्पोर्ट कर लें। स्क्रीन पे कमांड आ रही होगी, आप इस कमांड को अपने टर्मिनल में टाइप करके ये पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। ये मेरी एप्लीकेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, और ये इस स्ट्रक्चर की css है। आई नो कि आप css के लिए इस वीडियो पर नहीं आए, तो मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ। आई होप कि यू विल नॉट माइंड दिस। अब द मेन थिंग इज कि हमारे पास यहाँ पे एक बटन है फैच एन स्प्लैश API, और यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स है। तो बटन हमारे पास ये रहा, और डिफ क्लास नेम इक्वल टू फोटोज, ये हमारे पास ये बॉक्स है। तो इस बटन पर क्लिक करने से हमें अनस्प्लैश की API फैच करनी है, और इस डिव में हमें अनस्प्लैश की इमेजेस डिस्प्ले करानी है। तो इस बटन पर मैं एक ऑन क्लिक का इवेंट ट्रिगर करा देता हूँ। हमें अपनी एप्लीकेशन में यूज स्टेट हमें अपनी एप्लीकेशन में यूज स्टेट का हुक रिक्वायर है, और हमें एक्सियोस की भी नीड है। अब ये जो हमारा फैच एपीआई का फंक्शन है, ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, क्योंकि इस फंक्शन में हम अपनी एपीआई फैच करेंगे, तो हमारी एपीआई फैच होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसीलिए ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। हमारा फंक्शन क्योंकि एसिंक्रोनस है, तो यहाँ पे हमें अवेट का कीवर्ड यूज़ करना है। अब हमें यहाँ पे अनस्प्लैश की URL चाहिए होगी, जो हमारी API है उसकी URL चाहिए हमें। तो इसके लिए आप गूगल पर जाएं और लिखें अनस्प्लैश API। आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, देन जब आप लॉगिन हो जाएंगे तब आपको ये UI नज़र आएगी। तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक व्यू दी डॉक्यूमेंटेशन और एक योर एप्स। तो आप अच्छा सबसे पहले आप व्यू दी डॉक्यूमेंटेशन पर क्लिक करें। अब हमें सेटिंग अपन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, और इसके बाद हमें अपना डेवलपर अकाउंट बनाना है। डेवलपर अकाउंट रेगुलर अकाउंट से डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टू एक्सेस की अनस्प्लैश API फर्स्ट ज्वाइन, तो इस ज्वाइन पे आप क्लिक कर लें। यहाँ पे हम न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, जितने भी चेक बॉक्स हैं सबको चेक मार्क कर लें, देन एक्सेप्ट टर्म्स। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का नाम देंगे, मैं नाम दे देता हूँ इमेज गैलरी। यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई भी डिस्क्रिप्शन, क्रिएट एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई है इमेज गैलरी। अब आपको एक्सेस की रिक्वायर्ड होगी, नॉट सीक्रेट की बट एक्सेस की। तो ये एक्सेस की मैं कॉपी करता हूँ, और इसको आप फॉर नाउ कहीं पर भी पेस्ट कर लें। देन आपने जाना है डॉक्यूमेंटेशन में। अब हमें अपनी API का एंड पॉइंट रिक्वायर है, तो मैं यहाँ से लेकर HTTPS से लेकर ये क्लाइंट ID इक्वल टू तक कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ये जो आपके पास एक्सेस की थी, ये हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब जो भी हमारी API का डेटा होगा वो इस रिस्पॉन्स के वेरिएबल में चला गया है। अगर मैं आपको यहाँ पे
रिस्पॉन्स डॉट डेटा को कंसोल करके दिखाऊं, देन यू कैन सी के जब हम इस फैच अनस्प्लैश एपीआई के बटन पर क्लिक करते हैं तो कंसोल में हमें हमारा डेटा मिल रहा है। इस डेटा में हमारे पास क्या है, बेसिकली ये एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है और हर ऑब्जेक्ट में हमारे पास आईडी है। तो हमें आईडी की नीड है और जो हमारी इमेजेस हैं वो इस यूआरएल्स की प्रॉपर्टी में है। यूआरएल्स को आप एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमें फुल, रॉ, रेगुलर, स्मॉल और थंब, बेसिकली ये इमेजेस के साइजेस हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे बनाते हैं, हम यहाँ पे बनाएंगे एक स्टेट, इमेजेस सेट इमेजेस इक्वल टू यूज स्टेट, ये एक एम्प्टी एरे होगा बाय डिफॉल्ट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी स्टेट को अपडेट कर देते हैं सेट इमेजेस और इधर हम पास करा देंगे क्या, डेटा। अब मैं यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनाता हूँ, मैं एक फोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स का। पहले इस कंपोनेंट्स के फोल्डर में मेरे पास एक फाइल होगी इमेजेस डॉट जे एस। यहाँ पर मैं कंडीशनल रेंडरिंग कराऊंगा कि जब इमेजेस की लेंथ ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो रेंडर कर दो मेरे पास इमेजेस का कंपोनेंट। अब इस इमेजेस में मैं इमेजेस के कंपोनेंट में मैं इमेजेस की स्टेट एज अ प्रॉप पास करा दूंगा, इमेजेस इक्वल टू इमेजेस। यहाँ पे चलते हैं और इमेजेस को करते हैं रिसीव। पहले मैं यहाँ पे कंसोल करके चेक कर लेता हूँ कि इस कंपोनेंट में मेरे पास इमेजेस आ रही हैं या पर नहीं। इमेजेस का कंपोनेंट ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है, मैं ये वाला कंसोल डॉट लॉग हटा देता हूँ। अब अपनी एप्लीकेशन चल के चेक करते हैं, मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ, देन अभी भी हमें हमारा डेटा रिसीव हो रहा है। तो अब मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ और हमें एक और कंपोनेंट बनाना है इंडिविजुअल इमेज डॉट जे एस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इमेजेस पर मैप का फंक्शन चलाएंगे और इमेज ले लेंगे एज अ कॉल बैक। और यहाँ पे हम क्या रिटर्न कराएंगे, इंडिविजुअल इमेज। यहाँ पे हम की का प्रॉप पास कराएंगे इमेज डॉट आई डी। मैंने आपको कंसोल में दिखाया था कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक आईडी है, तो वही वाली आईडी हम की में पास कराएंगे। और ये जो इमेज है जो हमने एज अ कॉल बैक लिया है वो भी हम एज अ प्रॉप पास करा देंगे इंडिविजुअल इमेज को। यहाँ पे हम अपनी इमेज रिसीव करेंगे, इसकी जो क्लास है वो फोटो है और इस वाले डिव की क्लास फोटोज है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो इमेजेस हैं वो यूआरएल्स की प्रॉपर्टी में, तो इमेज डॉट यूआरएल्स डॉट, यहाँ पे आपके पास पांच चॉइसेस हैं, या तो फुल, या तो स्मॉल, या तो थंब, या तो रेगुलर, और हमारे पास एक और साइज था जो कि मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे स्मॉल लिख देता हूँ। एक हमारे पास रॉ था, फुल, रॉ, स्मॉल, थंब और रेगुलर, तो यहाँ पे मैंने स्मॉल साइज प्रोवाइड कर दिया, इमेजेस डॉट यू आर एस डॉट स्मॉल। अब चल के देखते हैं अपनी एप्लीकेशन, मैं इस बटन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो इमेजेस थी अनस्प्लैश की वो डिस्प्ले हो गई हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो से बस इतना ही, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप अनस्प्लैश की एपीआई अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन में इंटीग्रेट कर सकेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अब अगली वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।